नमस्कार मित्रों, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद, जय गो माता। आज जर्मनी से एक बहुत खूबसूरत वीडियो हमारे पास आया है। उसमें G7 की मीटिंग में आप देख सकते हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन पीछे से आते हैं, कंधे पर हाथ रखते हैं। किसके कंधे पर हाथ रखते हैं? भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कंधे पर हाथ रखते हैं। और इस तरीके से उनका फेस एक्सप्रेशन दिखाई देता है कि जैसे वो भारत के प्रधानमंत्री जी से मिलने, उनसे हाथ मिलाने काफी आतुर हैं। नरेंद्र मोदी जी पीछे मुड़ते हैं, देखते हैं पीछे जो बाइडेन खड़े हैं, वो भी पूरी गर्मजोशी के साथ उनसे हाथ मिलाते हैं। ये एक बहुत शुभ संकेत है। भारत को यदि हम विश्वगुरु कहते हैं और उदार चरितानाम वसुधैव कुटुंबकम हम कहते हैं कि पूरा विश्व एक परिवार है और भारत विश्व गुरु है, तो उसकी झलक कहीं ना कहीं आज जर्मनी में हमें दिखाई दे रही है। और शुभ संकेत इसलिए है क्योंकि आज विश्व युद्ध की विभीषिका झेल रहा है। यूक्रेन और रशिया के बीच युद्ध हो रहा है। आप जानते हैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इराक, सीरिया, इजराइल, फिलिस्तीन का क्षेत्र काफी अशांत रहता है। ऐसे समय में G7 की मीटिंग बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग मानी जा रही थी। और इसमें मैं आपको बताऊं, G7 दरअसल है क्या? 1975 में स्थापित G7 सात देशों का एक समूह है, G7 ग्रुप 7। और इस समूह में भारत सदस्य नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे क्यों नहीं है? भारत सदस्य इसलिए नहीं है क्योंकि ये विकसित देशों का समूह है, डेवलप्ड कंट्री का समूह है। भारत डेवलप्ड कंट्री नहीं है बल्कि डेवलपिंग यानी कि विकासशील देश है। अब आप सोच रहे होंगे G7 तो विकसित देशों का समूह है। G7 में जो समूह के सदस्य देश हैं उसमें उत्तर अमेरिका से दो देश हैं, कनाडा और अमेरिका। यूरोप से जो देश हैं, फ्रांस, इटली, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम। इसके अलावा एशिया से एक देश है, जापान। यानी कि कुल सात देश इसमें हैं। अब जी, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी वहां पर क्या कर रहे थे जबकि सदस्य नहीं है G7 का भारत? तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, ये भी हमारे लिए गर्व का विषय है कि विशेष आमंत्रित थे उस बैठक में। तो ये हमारे लिए गर्व की बात है कि विकसित देशों के समूह की बैठक में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को आमंत्रित किया गया। और काफी गर्मजोशी से जो बाइडेन ने जो उत्सुकता दिखाई नरेंद्र मोदी जी से मिलने के लिए, ये हमारे लिए शुभ संकेत, जैसा कि मैंने कहा, क्योंकि ये बात कहीं ना कहीं ये सिद्ध कर रही है कि भारत एक विश्वगुरु है, जैसा कि हम चाहते हैं कि भारत विश्वगुरु बने। भारत रूस यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने में एक महती भूमिका निभा सकता है, विश्व शांति लाने में एक महती भूमिका निभा सकता है, आतंकवाद, गरीबी, भुखमरी को समाप्त करने में भारत एक महती भूमिका निभा सकता है। इस बात का संकेत हमें मिला है कि विश्व शांति में अब सभी देश विश्व शांति चाहते हैं और भारत को एक मार्गदर्शक के रूप में देखते हैं। इसीलिए शायद G7 देशों के समूह में भारत को आमंत्रित किया गया। सदस्य यूक्रेन भी नहीं है, किंतु यूक्रेन के जो प्रधान हैं ज़ेलेंस्की जी, 27 तारीख को उन्होंने भी इस सम्मिट में भाग लिया, लेकिन वो प्रत्यक्ष रूप से नहीं आए थे, वर्चुअली ऑनलाइन उन्होंने बैठक में भाग लिया और कहा कि भाई 2023 के पहले पहले ये युद्ध समाप्त हो जाए तो बहुत अच्छा है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं, क्योंकि कई लोग थोड़ा सा तथ्यों को आगे बढ़ाएंगे तो कहेंगे जी इसमें और भी देश आए थे भाई, क्योंकि मैं जानता हूं असंतुष्ट लोग भी बहुत से हैं। तो एशिया से भारत के अलावा इंडोनेशिया भी आमंत्रित था, अफ्रीकी देशों में सेनेगल और साउथ अफ्रीका को भी आमंत्रित किया गया था, और दक्षिण अमेरिका से अर्जेंटीना को आमंत्रित किया गया था। ये लोग भी विशेष आमंत्रित देश थे।
और यूक्रेन के प्रधान ज़ेलेंस्की जी जो है वो ऑनलाइन इस बैठक पे जुड़े थे। बहरहाल खूबसूरत तस्वीर जो ये दिखाई दी कि विश्व की महाशक्ति अमेरिका आध्यात्मिक देश भारत के पंत प्रधान जी से मिलने के लिए जो उत्सुकता दिखाई, ये विश्व शांति की ओर एक बड़ा कदम और विश्व शांति आने के लिए एक बड़ा संकेत दिखाई दे रहा है। और हम सब आशा करते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। भारत के दर्शन संपूर्ण विश्व में जल्द ही फलीभूत होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।